गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज योगेश कुमार फ्रॉम किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर। मैं आज आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ। न्यूज़ ये है कि जो एजुकेशनिस्ट है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि नीट यूजी 2020 एग्जाम जो इस साल होने वाला है उसको कैंसिल कर दिया जाए। उसका सबसे बड़ा रीज़न वो ये बता रहे हैं कि तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं एंड साथ ही साथ इंडिया में भी केसेस की बढ़ोतरी दिख रही है। कुछ एजुकेशनिस्ट का मानना है कि स्टूडेंट जो कि मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं इसलिए इस एग्ज़ाम को इस साल कैंसिल कर देना चाहिए, और कुछ एजुकेशनिस्ट का मानना है इसका सॉल्यूशन ये है कि हम बोर्ड स्कोर्स को लें ताकि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट में काम आ सके। हालांकि जो स्टूडेंट्स इस साल नीट एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनका ये डिमांड है अथॉरिटीज से कि नीट एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं किया जाए, इसको पोस्टपोन जरूर करें लेकिन कैंसिल ना करें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये एक लेटेस्ट अपडेट ज़रूर है लेकिन इसको आप सही ना मानें क्योंकि इसमें चेंजेस हो सकते हैं एंड ज़रूरी नहीं है कि इस साल ये नीट एग्ज़ाम कैंसिल होगा। बहरहाल पोस्टपोन हो सकता है लेकिन कैंसिल होने की कोई भी संभावना नहीं है। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।